स्टूडेंट्स, आपने रियल लाइफ में या सिनेमा में या टेलीविज़न पर देखा होगा कि पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके बाजू में एक डिस्प्ले चल रहा है, उस पर कंटिन्यूसली एक ग्राफ चल रहा है। अगर यह ग्राफ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब वह पेशेंट मर चुका है। ये जो ग्राफ हमें दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं ECG। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विथ द ECG। आज के वीडियो में हम ECG के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। इस वीडियो में हम चार पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ECG, थर्ड नॉर्मल ECG एंड द लास्ट इज क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ECG। द फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज अ मशीन यूज्ड टू रिकॉर्ड ECG एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द एक्चुअल ग्राफ विच इज रिकॉर्डेड बाय द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन। दोनों वर्ड्स में कंफ्यूजन नहीं करना है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये मशीन का नाम है और उस मशीन के जरिए जो ग्राफ हमें मिलता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। द साइंटिस्ट एंथोहेन डिस्कवर्ड द मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको रिमेम्बर करना है इसे। हेंस एंथोहेन इज नोन एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ECG। ए पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन थ्रू इलेक्ट्रिकल लीड्स एंड वायर्स। वन लीड इज अटैच्ड टू द राइट आर्म, सेकंड लीड इज अटैच्ड टू द लेफ्ट आर्म एंड थर्ड लीड इज अटैच्ड टू द लेफ्ट एंकल। ये जो तीन इलेक्ट्रिकल लीड्स हैं इन्हें कहते हैं रेफरेंस लीड्स। देन मल्टीपल इलेक्ट्रिकल लीड्स दे आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन। दीज लीड्स दे मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लीड्स मे वेरी, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द मशीन और फॉर व्हाट पर्पस द ECG इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड। बिफोर अटैचिंग लीड्स ए स्पेशल जेल अप्लाइड टू द स्किन टू रिसीव द टाइनी इम्पल्सेस। दीज टाइनी इम्पल्सेस एम्प्लीफाइड बाय द मशीन। इलेक्ट्रिकल लीड्स अटैच करने से पहले स्किन पर स्पेशल टाइप ऑफ जेल अप्लाई किया जाता है क्योंकि मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसकी जो इम्पल्सेस हैं उसकी इंटेंसिटी बहुत कम रहती है, इन्हें रिसीव करने के लिए ये जेल अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। स्पेशल टाइप ऑफ पेन रिकॉर्डर इज अटैच्ड टू द मशीन। ड्यू टू डिफ्लेक्शन ऑफ इम्पल्सेस पेन ऑल्सो डिफ्लेक्ट्स एंड मार्क्स ए वेवी लाइन ऑन द ग्राफ पेपर, दस ECG इज रिकॉर्डेड। जो इम्पल्सेस होती हैं ये बहुत कम इंटेंसिटी की रहती है, इसे हम मशीन में एम्प्लीफाई करेंगे क्योंकि इतनी कम इंटेंसिटी की इम्पल्सेस की वजह से पेन रिकॉर्डर की डिफ्लेक्शन नहीं हो सकती, इसलिए इस मशीन के अंदर इन इम्पल्सेस को एम्प्लीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि डिफ्लेक्शन होगी पेन रिकॉर्डर भी डिफ्लेक्ट होगा और उसकी मूवमेंट की वजह से ग्राफ पेपर पर एक वेवी लाइन अपने आप मार्क होती रहती है, इस तरह से ECG रिकॉर्ड किया जाता है। नाउ डेज
instead of pain recorder, cathode ray tube CRT is used. It displays the graph on the monitor. Normal ECG. Students, आप normal ECG की जो diagram दी है इसे carefully observe करना. ये एक प्रकार का graph होता है और हमेशा की तरह graph में दो axis हैं, x axis और y axis. x axis पर time है और y axis पर है voltage displacement. अगर आप जिस ECG को गौर से देखेंगे तो आपको पांच लेटर्स वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, P, Q, R, S एंड T. इन नॉर्मल ह्यूमन ECG, फाइव वेव्स आर प्रेजेंट, P वेव, Q वेव, R वेव, S वेव एंड T वेव. Q, R एंड S, in these three waves they are combinedly known as QRS complex. P wave, R wave and T wave, they are above the baseline, hence they are called positive waves, while as Q wave and S wave, they are below the baseline, hence they are known as negative waves. अब मैं आपको पांच बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ. लिसन केयरफुली. द फर्स्ट पॉइंट, पी वेव इज ऑफ एट्रियल ओरिजिन. एंड सेकंड पॉइंट, क्यू आर एस एंड टी वेव्स दे आर ऑफ वेंट्रिकुलर ओरिजिन. सिर्फ पी वेव एट्रिया में ओरिजिनेट होती हैं. रिमेनिंग फोर वेव्स जिनका ओरिजिन है वेंट्रिकल्स में. देन थर्ड पॉइंट, पी वेव इंडिकेट्स एट्रियल डीपोलराइजेशन एंड इट कॉजेस द एट्रियल सिस्टोल. पी वेव हमें क्या दर्शाती है? एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज एट्रियल सिस्टोल. फोर्थ पॉइंट, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड इट कॉजेस द वेंट्रिकुलर सिस्टोल. क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हमें क्या दर्शाता है? वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन और सिस्टोल. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज, टी वेव इंडिकेट्स वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन विच कॉजेस द वेंट्रिकुलर डायस्टोल. टी वेव हमें क्या दर्शाती है? वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन, दैट इज वेंट्रिकुलर डायस्टोल. क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ईसीजी इज ऑफ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस. हार्ट पेशेंट्स के लिए ईसीजी एक वरदान है. ईसीजी यह अपने हार्ट का प्रोग्रेस कार्ड है. जैसे कि अपना प्रोग्रेस कार्ड बताता है कि आप कितने पानी में हो, कौन से सब्जेक्ट्स में आप स्ट्रांग हो या कौन से सब्जेक्ट्स में वीक हो, ठीक उसी तरह ईसीजी हमें बताता है कि आपके हार्ट के सभी चार चैम्बर्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, और आपके हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से हो रही है या नहीं. स्टूडेंट्स, हमने नॉर्मल ईसीजी देखा है. इसमें जो वेव्स हैं पी क्यू आर एस टी, इनकी लंबाई कितनी है, इनकी ऊंचाई कितनी है, इन्हें ठीक से हमें ऑब्जर्व करना है और इसकी मदद से हम कुछ डायग्नोसिस कर सकते हैं. समझो देर इज
increase in the length of PQ interval. PQ interval की length समझो बढ़ गई है कोई ECG में, तो इसका मतलब है that person is suffering from the disease like rheumatic fever or its heart may be atherosclerotic. Atherosclerotic heart means उसके heart में फैटी टिश्यू, कोलेस्टेरॉल या कैल्शियम जैसे सॉल्ट्स डिपॉजिट हुए हैं, ऐसे हार्ट को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट. या उसकी एट्रिया की साइज बढ़ गई है, देयर इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ एट्रिया. सेकंड पॉइंट, इफ क्यू एंड पी वेव्स आर एनलार्ज, समझो क्यू एंड पी वेव्स इनकी ऊंचाई बढ़ गई है, तो इसका मतलब है उस व्यक्ति को मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. बहुत सिंपल वर्ड्स में इसे कहते हैं हार्ट अटैक. उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ चुका है. थर्ड पॉइंट, एसटी सेगमेंट इज एलिवेटेड. एसटी सेगमेंट जो है वो बेस लाइन के ज़्यादा ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब है उस व्यक्ति को एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हुआ है, मीन्स उसको बहुत जोर से हार्ट अटैक हुआ है. फोर्थ पॉइंट, इफ द एसटी सेगमेंट इज डिप्रेस्ड. एसटी सेगमेंट बेस लाइन के ज़्यादा करीब दिखाई दे रहा है एबनॉर्मल ECG में, तो इसका मतलब है उस व्यक्ति के हार्ट मसल्स को इनसफिशियंट ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है. फिफ्थ पॉइंट, इफ टी वेव इज फ्लैटन, टी वेव की जो ऊंचाई है वो कम हो गई है, तो इसका मतलब क्या है उस व्यक्ति के हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है. देयर इज इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल्स. स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑल पॉइंट्स आर कवर्ड इन द वीडियो, बट एक्सप्लेनेशन में हमें कुछ वर्ड्स सुनाई दिए, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन. अगर आपको कुछ डाउट है इन वर्ड्स के बारे में, इनके मीनिंग्स के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. अब लास्ट में मैं आपको एक ब्रेन टीजर क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, ठीक से सुनना. पी वेव एंड आर वेव, दे आर द वेव्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन. पी वेव इंडिकेट्स एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एंड आर वेव इंडिकेट्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. बट द टी वेव इज द वेव फॉर रिलैक्सेशन, इट इंडिकेट्स द वेंट्रिकुलर डायस्टोल. देन वाई टी वेव इज ऑल्सो अबोव द बेस लाइन. पी वेव, आर वेव कॉन्ट्रैक्शन की वेव्स हैं, वो बेस लाइन के ऊपर हैं. टी वेव रिलैक्सेशन की वेव है, तो ये बेस लाइन के नीचे क्यों नहीं है? पोस्ट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स. मिलते रहेंगे बार बार नए नए वीडियोज़ के साथ. गुड बाय.